कनाडा में कोरोना गाइडलाइंस और वैक्सीन मुखालिफ मुजाहिरों को रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने उठाया बड़ा कदम। मुल्क में 30 दिनों के लिए नाफिज कर दिए इमरजेंसी। क्या अमेरिका जानबूझकर रूस को जंग पर उकसाने की कर रहा है कोशिश? उठ रहे हैं सवाल। फ्रांस ने भी कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि रूस यूक्रेन पर हमले की कर रहा है तैयारी। अमेरिका ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में मौजूद अपना सिफारतखाना आर्जी तौर पर कर दिया बंद। अमेरिकी शहरियों को फौरी यूक्रेन छोड़ने और पड़ोसी मुल्क पोलैंड में दाखिल होने की दी गई सलाह। पोलैंड में खोला गया वेलकम सेंटर। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम पर जाहिर की तश्वीश। हरिद्वार में मुसलमानों की नस्लकशी और कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी की इत्तलात पर लिया सख्त नोट। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का खत्म होता जा रहा है असर। दिन ब दिन नए केसेस की तादाद में आई कमी। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए 27,409 नए केसेस, एक्टिव केसेस की तादाद 1% से भी कम। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब की समाअत। मुस्लिम तालिबात ने की हाईकोर्ट से गुजारिश, स्कूल यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की दी जाए इजाजत। अदालत के फैसले पर पूरे मुल्क की लगी है निगाहें।